अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ी सबीलिल्लाह मिल सईं शाह हुसैन, पैसे लेने वाले और झूठे अमल पर लानत भेजता हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 0300-509-3968 है। इस पर व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं रोज़ाना के मामूल की तरह आज आपको जो है इंतहाई तेज़ तरीन और मुजरे वजीफ़ा बताऊँगा। काफ़ी सारे मुझे फ़ोन आए कि शाह जी हमें एक ऐसा वजीफ़ा बताएँ, क्योंकि मैं जायज़ वजीफ़े बताता हूँ, जायज़ चीज़ें बताता हूँ, नजायज़ के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इन मेरे वजीफ़ों को, मेरे अमल को जो है आप नजायज़ इस्तेमाल ना करें, वरना उल्टा फ़ायदे की बजाय जो है नुकसान हो सकता है। मैं पैसे लेने वाले झूठे अमलों पर लानत भेजता हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। आज मैं जो आपको जो है, मुझे काफ़ी सारे जो फ़ोन आए हैं कि शाह जी जो है हमें आप ऐसा अमल बताएं, ऐसा मोहब्बत का अमल बताएं जो जिनकी बीवी रूठ के चली गई है, या जिनका मर्द जो है उनसे रिलेशन नहीं रखता है, ये जायज़ के लिए करें, बीवी अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त और कामयाब अमल है, सब के लिए। किसी आमिल के पास, झूठे के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरे हक में दुआ करेंगे। आज जो मैं आपकी अमल जो है खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये अमल ऐसी जगह पर करें जहाँ जो है मतलूब दूर हो। मसलन बीवी नाराज़ होकर चली गई है, या शोहर बीवी को मेके छोड़ कर चला गया है, कोई भी आपका अजीज छोड़ गया है, ऐसी तमाम सूरत हाल में आप ये जो अमल जो है ये मेरा कर सकते हैं, इसे काम रह सकते हैं। इंशाल्लाह मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। अमल का तरीका कार मैं आपको बता देता हूं। इंशाल्लाह आप मेरे हक में दुआ करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिएगा। मेरी तरफ से उसी बंदे को इजाजत होगी, ये बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं हक सच की बात करता हूँ। मैं मलंग फकीर सा बंदा हूँ, आपका नौकर हूँ, ताबेदार हूँ, खादिम हूँ, मैं हक सच की बात करता हूँ। इसीलिए जो है कहता हूँ कि आप मेरी अच्छी बात लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको भी फायदा पहुँचे, और जो आपके एक शेयर करने से, अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया होता है, आपके एक शेयर करने से अगर किसी का फायदा होगा तो अल्लाह ताला की ज़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है आपके ऊपर राज़ी होंगे। तो आज जो है जल्दी से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना है, और उसी बंदे को इजाजत होगी जो मेरे कमेंट में सुभान अल्लाह लिखेगा और उस वीडियो को लाइक करेगा, मेरे पेज को लाइक करेगा और वीडियो को शेयर करेगा। इंशाल्लाह ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको अमल बताऊंगा। जब मैं पिछले साल जो है इराक गया हूं, तो इराक में मुझे एक आलिम ने बताया था, बहुत जबरदस्त और बहुत कामयाब है ये। अगर चाहे रूट के नहीं भी गए, तो वैसे भी अगर आप अपने हस्बैंड के, मेरी बहनें हैं, मैं हैं, जो भी अपने हस्बैंड के माइंड में अपने मोहब्बत डालना चाहती हैं, या अगर उनके हस्बैंड का किसी और से रिलेशन है, आप चाहती हैं उधर से उसका रिलेशन खत्म हो जाए और जो है हमारे साथ उसका रिलेशन हो जाए, तो बहुत जबरदस्त और कामयाब अमल बताना चाहता हूं। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, इजाजत आम है, बहुत पुराना और कामयाब अमल है। जिसको यह अमल मैंने दिया है वो 100% काम कर चुका है, क्योंकि ये ज़्यादा उनके लिए भी है जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बहुत बाहर वाले लोगों का काम करता हूँ, ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री लोगों का काम करता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कुछ छोटा मोटा जादू तवीज़ात, जो कोई वजीफा काम नहीं करते, उनके ऊपर तेज़ अमल किए जाते हैं। आज ऐसा तेज़ बेहदफ अमल और मुजर्रब तरीन अमल बताना, दिखाना और समझाना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरे हक में दुआ करेंगे, जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको फ़ायदा हो। बहुत ज़बरदस्त है ये, अपने हस्बैंड के लिए करें, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है, अदरवाइज किसी जायज़ के लिए, आप मोहब्बत के लिए ये अमल खुद कर सकती हैं। सबको इजाज़त है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पीर के पास, किसी के पास, लाखों में एक वजीफा है। इंशाल्लाह कामयाब ना हो तो बरोज़े मैशर जो है गिरेबान मेरा होगा और हाथ आपका होगा, कहना कि शाह जी आपने वजीफा बताया था, टाइम ज़ाय हुआ था, लेकिन हमारा फ़ायदा नहीं हुआ है। आज मैं आपको जो वजीफा बताने का तरीका बताऊंगा, जो अलहुब के अमल में, मोहब्बत वाले अमल में किसी को अपनी तरफ करने के लिए जो है जो अमल किया जाता है, उसके लिए जो है कुछ शरायत होती हैं। शरायत यह है, जो मोहब्बत का वजीफा किया जाता है, किसी को अपनी मोहब्बत में जो है अपनी तरफ करने के लिए वजीफा या अमल किया जाता है, तो उसके लिए मुंह में मीठी चीज़ का रखना लाजमी होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, बहुत शुक्रिया जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सलामत रहें हमेशा, नहीं है मौला आपको सलामत रखे। तो यह जो है वजीफा जो है करने से पहले जो है मुंह में मीठी चीज़ रखी जाती है। अगर आपको सालों से आपका हस्बैंड छोड़ चुका है, या आपको जो है आपकी वाइफ चली गई और नाराज़ होकर मेके जाके बैठ गई और या आपसे मोहब्बत नहीं करती है, तो ये आप खुद करें। शर्त यही होगी, वीडियो को शेयर करना है। जो वजीफा करेगा, आमिल की जो शर्त होती है उसको मानना लाजमी होता है, क्योंकि उसकी मेहनत होती है, वो निचोड़ निकालता है समंदर को कूजे में बंद करके, जो है मेहनत करके आपको वजीफा बताता है। मैं पैसे लेने वाले झूठे अमलों पर लानत भेजता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं सारे जो है आपको अमल खुद बताऊँ, ताकि आप खुद कर सकें। और ये इसमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई इसकी रुज्जत नहीं है, कोई इसका जो है उल्टा असर नहीं है, आप खुद इसको जो है कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका काम होगा।
तो वीडियो जो है आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, दूसरी बात ये मैं बताना भूल गया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमलियात तवीज़ात। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम के जो है चैनल बना रखे हैं। ख्याल करना है मेरा ये शक्ल जो है मलंग फकीरों वाली जी आपके सामने होगी, लाइव होगी, और जो है मेरा नंबर मौजूद होगा 0300-509-3988, ये नंबर है, यानी कि 0300-509-3968। इस पर व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उस पर जो है मेरे चैनल को जरूर देखिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर जो आप जाएँ इंशाल्लाह आपका काम ना हो तो मैं बंदा जिम्मेदार हूं। काम जो होते हैं वो अल्लाह ताला की जात की तरफ से होते हैं, इंसान मेहनत करे तो काम हो जाता है। अमल एक नंबर होना चाहिए, उसका तरीका कार सही होना चाहिए। मुंह में मीठी चीज रखनी है, कपड़ों के ऊपर खुशबू लगानी है, अगर महबूब की फोटो हो तो उसको अपने पास रखना है, चाहे वो मोबाइल में है चाहे वो आपके पास ओपन है। अगर फोटो नहीं है तो उसका नाम, उसकी वालदा का नाम अलहुब फलां बिन फलां, अलहुब फलां बिन फलां, ये आपने लिखना है पर्ची के ऊपर, लिख के उसके ऊपर पर्ची के ऊपर थोड़ी सी खुशबू लगानी है, मुंह में मीठी चीज रखनी है, और जो है आपने जो है अमल शुरू करना है। तो मैं अमल आपको बताना चाहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मौजूदुल्लाहु अलैहिज़ेबा अनकुम रिश्ता अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जल फरज आल मुहम्मद। सारी अपने एक दफ़ा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा, वो आपके हक़ में अल्लाह ताला की ज़ात जो है सवाब लिखेगी और मेरे हक़ में भी सवाब लिखेगी। लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर लीजिए, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख लीजिए, मैं आपको वजीफा बताने लगा हूँ। पेंसिल उठा लें, कागज़ उठा लें, या वीडियो को सेव कर लें, या उसके बाद आप बार बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए। किसी की बीवी रूठ गई है, किसी का हस्बैंड छोड़ गया है, ये अगर आपका ये मसला नहीं है, किसी और का है, तो ये मेरा वजीफा उनको दे, इंशाल्लाह उनका काम 3 से 7 दिन, 7 से ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगेगा तो 11 दिन के अंदर उसकी वाइफ जो है वापस आ जाएगी। अगर उसका हस्बैंड चला गया है वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। शर्त ये है, वजीफा दिल से करना है, अमल तरीकाकार यही करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आपका काम होगा। इंशाल्लाह मायूसी आपको नहीं हुई, अमल का तरीकाकार ये है, आपने 2 रकात नफल हाजात, दोबारा सुन लीजिए, एक दफ़ा वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें प्लीज़, ताकि मैं आपको दोबारा जो अमल बता सकूं। प्लीज़ नाराज़ ना होना मलंग फ़कीर की बातों के ऊपर। क्या करना है, 2 रकात नफल। बहुत शुक्रिया जो आप लाइक कर रहे हैं, आप सलामत रहें हमेशा जी, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपके सिपास गुजार का मुश्ताक हूँ जो आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हमेशा जी सलामत रहें। जो मुझे देखते हैं, जो मेरे चाहने वाले, जैसा कि आप मुझे सब जानते हैं, आमिर हुसैन शाह फ़कीर सब बंदा, मैं आपके सामने जो है गोश गुजार हूँ। तो 2 रकात नफल हाजात, दोबारा सुन लें, 2 रकात नमाज पढ़नी है नफल, और नीयत हाजात की करनी है। हाजात की नियत करके आपने जो है सलाम के बाद आपने 11 काली मिर्चें लेनी हैं, 11 अदद काली मिर्चें साबित गोल गोल जो होती हैं वो लेनी है। हर मिर्च के ऊपर 100 बार आपने या लतीफ़ो या वदूद हो, या लतीफ़ो या वदूद हो, महबूब की तस्वीर सामने रखनी है, उसका नाम सामने रखना है, या लतीफ़ो या वदूद हो, 100 मरतबा आपने जो है इसको पढ़ना, या लतीफ़ हो या वदूद हो, ये एक मरतबा हो जाएगा, ये नहीं या लतीफ़ हो एक दफ़ा हो गया या वदूद हो दूसरे दफ़ा हो गया, नहीं नहीं या लतीफ़ हो या वदूद हो एक दफ़ा हो गया, या लतीफ़ हो या वदूद हो, या लतीफ़ हो या वदूद हो, ये पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ने के बाद मतलूब का जो है आपने मुकम्मल तसव्वुर जो है वो जहन में रखना है, और उसके बाद अव्वल व आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब सारी काली मिर्चें जो हैं वो दम हो जाएं चूल्हे के ऊपर, आपने एक एक करके काली मिर्चों को जो है जलाते हैं, जलाना है, जलाना है, ऐसे आपने फेंकना है फिर जलाना है। काम का तसव्वुर जो है वो जहन में रखना है। बहुत ज़बरदस्त अमल है, ये कोई टोटका नहीं है, ये अमल है बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब 2018 में इराक गया था, सॉरी 2019 में, तो मुझे एक आलम ने बताया था, क्योंकि एक मेरा दोस्त दोस्त है, उसकी 5 साल से जो है बीवी रूठ के बैठी थी, उसको मैंने दिया तो 11 दिन भी नहीं है और उसका काम जो है 7 दिन के अंदर अंदर हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, आप इनको करें, दूसरों को करवाएँ, शेयर करें, ताकि हर बंदा इसको कर सके। उसके बाद जो है आपने ये काली मिर्चें जो है आपने चूल्हे में जो है डाल देनी है। हाँ, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो कोलों की वगैरह या चूल्हों का सिस्टम होता नहीं है, वो काली मिर्चों को सिलेंडर के ऊपर जला सकते हैं या तवे के ऊपर भी जला सकते हैं, और राख को जो है उड़ा देना है। बाद लोग फोन तक करते हैं, शाहजी अब राख को किधर करना है, राख को उड़ा देना है या पानी में डाल देना है। उसके बाद इनको जला के राख को डला देना। मगर मसलन अगर कोई औरत अपने खामंद के लिए कर रही है तो तसव्वुर करना है कि उसका शोहर वापस आ जाए, उससे मोहब्बत करे, जो जो उसके हाजात दिल में हैं वो रखे। और उसके बाद जो है आपने ऐसा करना है, और तसव्वुर कामिल, तसव्वुर अहम नुक्ता है इसका, ये अमल जो है 11 या 21 दिन आप करें।
इंशाल्लाह 11 से 21 दिन के अंदर आपका काम होगा, ये मेरा वादा है। तवज्जो शर्त है, तरीकाकार शर्त है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कामयाब है, इंशाल्लाह कामयाबी की होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन इजाज़त उसी को कि जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट में सुबहाना लिखेगा, सब कर सकते हैं। किसी पीर के पास, डब्बा पीर के पास जो है, गुब्बारे पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अमल हर बंदा कर सकता है, कोई आमिल नहीं होता को करने वाला। अगर आमिल सही तरीके से आपको अमल बता दे तो अमल हर बंदा कर सकता है, ना कि कोई ये नहीं है कि सिर्फ आमिल करेगा, ना 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 ना, आप खुद कर सकते हैं। नमाज का पाबंद हो जाए आप कुछ दिन के लिए, जो अगर वैसे तो आप पढ़नी चाहिए, कुछ दिन वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें जिन दिन जिन आप अमल कर रहे हैं तो आप जो है नमाज को ना छोड़ें और नमाज जो है वो पांच वक्त पढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं मलंग फकीर का आपसे वादा है, आपका काम होगा। मेरे टूटे फूटे अल्फाज जिनको पसंद है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 0300-509-3968 है, इस पर व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे हक़ में दुआ करेंगे कि शाह जी ने जो है अमल करके दिया था, ये मेरा आपसे वादा है। दुआ में याद रखिएगा, दुआ गुफी सबीलिल्लाह मिल सही शाह हुसैन। मैं अभी जो है एक और आपको अमल बताता हूँ, लेकिन जो है दो मिनट बाद मैं दोबारा ऑनलाइन आता हूँ, सब आ जाएं ताकि जो है मैं आपको दोबारा अमल बता सकूँ। दुआ में याद रखिएगा, दुआ गुफी हुसैन शाह, खुदा हाफिज़।